हेलमेट चेकिंग के नाम पर गलत पैसा लूटता है पुलिस वाला, जो हेलमेट चेकिंग करता है वो आर्म चेक क्यों नहीं करता है? अभी भी हेलमेट चेकिंग हो रहा है लेकिन आर्म चेक नहीं करेगा। आर्म चेकिंग करेगा पैसा नहीं मिलेगा, हेलमेट चेकिंग करेगा पैसा मिलेगा। पैसा लेकर के अफीम चरस गांजा बड़ा बड़ा क्राइम करा रहा है, इसीलिए मानगो में क्राइम नहीं रुक रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आज़ाद नगर जो है बारूद के ढेर में बैठा हुआ है, आए दिन हत्या हो रहा, आए दिन मर्डर हो रहा। आज साढ़े ठीक 9 बजे चेपापुल में गोली चलता है, वहाँ CCTV फुटेज रखा हुआ है। कल 4 बजे हम लोग आज़ाद नगर थाना का घेराव करेंगे और मांग करेंगे कि जो भी दोषी है खुलेआम गांजा चरस अफीम बिक रहा है। मैंने SSP साहब से भी बात किया था, CT SP साहब से भी बात किया था, और आज देखिए हमारे आज़ाद भाई से मेरी 5 मिनट पहले बातचीत हुई है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो उसके बाद अचानक किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आज़ाद को गोली मार दिया कोई चेपापुल में। हम सोचे मजाक कर रहा होगा, फिर मैंने आज़ाद भाई को फ़ोन किया, मालूम बोले कि हाँ मेरा कंधा में शोल्डर में गोली लगा है। अगर शोल्डर के बजाय सीने में लग जाता तो आज फिर वो आदमी मर जाता। हर महीना मर्डर हो रहा है मानगो आज़ाद बस्ती में, लेकिन अभियुक्त भी नहीं पकड़ा रहा, क्रिमिनल भी नहीं पकड़ रहा। आखिर कारण क्या है? कुछ पदाधिकारी तो बहुत ईमानदार हैं और कुछ पदाधिकारी इतना भ्रष्टाचार है कि पैसा लेकर के अफीम चरस गांजा बड़ा बड़ा क्राइम करा रहा है, इसीलिए मानगो में क्राइम नहीं रुक रहा है। और कल 4 बजे हम लोग आज़ाद नगर थाना अपने तमाम साथियों के साथ जाएंगे और वहाँ जाकर सीधा स्पष्ट बात करेंगे वहाँ के पदाधिकारियों से, DSP साहब। निवेदन आज तक नहीं हुआ है, 10 दिन 15 दिन पुलिस मुस्तैद रहती है, खोजबीन करती है, उसके बाद ठंडा पानी ठंडा बस्ता में चला जाता है मामला। स्थिति कैसा है? स्थिति तो अभी नाजुक था उनका, क्योंकि अगर चेस्ट में गोली लग गया होता तो आदमी आज जिंदा नहीं होता, लेकिन कंधा में लगा है। डॉक्टरों ने कहा है कि हम लोग गोली उसको देख रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, उसके बाद जैसा होगा हम लोग आपको बताएंगे। अभी खतरे से बाहर है आज़ाद भाई और हम तमाम लोग कह रहे हैं कल 4 बजे आज़ाद नगर थाना जाएंगे, वहाँ जाकर बात करेंगे कि आखिर क्राइम रुक क्यों नहीं रहा है। आप मोटरसाइकिल तो खूब चेक कर रहा है, डेली कागज़ फाड़ रहा है, ये कर रहा है, लेकिन क्राइम के नाम पर हेलमेट चेकिंग के नाम पर खाली पैसा लूटता है पुलिस वाला, जो हेलमेट चेकिंग करता है वो आर्म चेक क्यों नहीं करता है? अभी भी हेलमेट चेकिंग हो रहा है लेकिन आर्म चेक नहीं करेगा। आर्म चेकिंग करेगा पैसा नहीं मिलेगा, हेलमेट चेकिंग करेगा पैसा मिलेगा। इसी के लिए हम चाहते हैं कि हेलमेट का चाचा आर्म चेकिंग बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आदमी खुलेआम हथियार लेके आज़ाद नगर में घूम रहा है, कोई माई बाप बोलने वाला नहीं है, जो खाली ज़मीन का कारोबार हो रहा है और 2 नंबर कारोबार पूरा आज़ाद नगर थाना में हो रहा है, मानगो थाना में हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। कुछ पदाधिकारी बहुत ईमानदार है, कुछ एकदम भ्रष्ट है। कल हम लोग SP से ही बात करने का काम करेंगे। मैंने कहा ना, कुछ पुलिस अधिकारी ईमानदार है, कुछ भ्रष्ट है। तो ईमानदार जो है अभी बेचारा भ्रष्ट कलाइन में आ जा रहा है, तो वैसा अधिकारी को चुन करके SSP साहब को दंडित करना चाहिए ताकि वहाँ पर क्राइम जो बढ़ा हुआ है क्राइम कम हो, उसके बाद जाकर हम आदमी अमन चैन के साथ रहने का काम करें। कल हम लोग 4 बजे जाएंगे। अब आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं कपाली के बेहतरीन स्कूलों में से एक बचपन प्ले स्कूल में। जी हाँ, कपाली अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब स्थित बचपन प्ले स्कूल में इस वक्त बच्चों का मुफ्त में एडमिशन चल रहा है। तो अगर आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही जाएं बचपन प्ले स्कूल में और अपने बच्चों का मुफ्त में एडमिशन करवाएं, इस ऑफर का फायदा उठाएं और अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाकर अपना सपना साकार करें। स्कूल में वेल क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स मौजूद हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा और उज्जवल बनाने की गारंटी लेती हैं। तो आज ही जाएं बचपन प्ले स्कूल, ऑपोजिट अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, कपाली सरायकेला खरसावा।